सो मैं आया हूँ डीमार्ट की तरफ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ ऐरोली में और यहाँ पे मैं राह देख रहा हूँ मेरे दोस्त की जिसका नाम है संदीप पाटिल, प्यार से हम लोग उसे सैंडी कहते हैं। तो आज का जो व्लॉग होगा वो होगा ऐरोली का फूड। सो गाइस आज हम लोग ऐरोली में जहाँ जहाँ पे हम लोग नाश्ता करते हैं, जहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं राह देख रहा हूँ मेरे दोस्त की, तो जैसे ही वो आएगा विल स्टार्ट आवर व्लॉग। और गाइस ये मेरा दोस्त आ चुका है उसकी यूनिकॉर्न पे, एंड हियर इज संदीप पाटिल। यो संदीप, लेट का झाला? अरे काम अडकले। अरे बापरे, मग आता कुठे जायचंय आपल्याला नाश्ता करायला? आपल्याला नाश्ता करायचा। हो गॉड। सो गाइज आता मी माझ्या मित्राबरोबर जाणार आहे कुठे? राघवेंद्र मध्ये कॉर्नर, स्नॅक्स कॉर्नर, राघवेंद्र स्नॅक्स कॉर्नर मध्ये आम्ही जाणार आहोत। तर बघूया तिथे काय काय खायला मिळतं। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं स्नैक्स कॉर्नर। सो चलो। तो गाइस ये हम लोग अभी डीमार्ट की तरफ से निकले हैं और ये भी डीमार्ट आप देख सकते हो, दिस इज डीमार्ट। और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे सब लाइक स्नैक्स है गाइस, भजी पाव, समोसा पाव, आप यहाँ पे आके यहाँ पे सैंडविच पिज्जा ये भी मिलेगा आपको, आप देख सकते हो। और नॉनवेज का भी स्टॉल लगता है यहाँ। ओके सो गाइस यहाँ पे फूड से और यहाँ पे नॉनवेज का स्टॉल लगता है और यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह सब है यहाँ पे, मतलब शाम को यहाँ पे जलसा होता होगा, है ना? एंड दिस इज ऐरोली का मार्केट गाइस, देख सकते हो आप, दिस इज वेजिटेबल मार्केट ऑफ ऐरोली। तो स्टैंडिंग वहां पे क्या खाएंगे सर? हम खाएंगे वड़ा। हाँ, साउथ इंडियन डिश खाएंगे हम, लाइक मेदू वड़ा, वड़ा पाव भी है वहां का बेस्ट है वड़ा पाव। ओके, ऐरोली का सबसे बेस्ट वड़ा पाव मिलता है रामकेंद्र का वड़ा। ओके गाइस, तो खाओगे तो बार बार आओगे। ओहो, सो गाइस ये टैगलाइन है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तो मैं और सैंडी हम लोग जा रहे हैं राघवेंद्र का वड़ा पाव खाने और देखते हैं वहां पे और कुछ भी मिलता है क्या। सो गाइस व्लॉग देखते रहिए, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज आज हमारे सामने मेरे साथ जो है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है संदीप पाटिल, जो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता है। अगर उसकी इच्छा होगी, अगर उसकी ख्वाहिश होगी तो वो आज हमें कुछ उसकी एक्टिंग या फिर उसके कुछ जो आवाज का जादू है वो भी हमें दिखाएगा। सो स्टे ट्यून। सो सैंडी हम लोग कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं? शायद से एक महीना हो गया होगा। सो गाइस हम लोग एक महीने के बाद मिल रहे हैं और आज बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत फन होने वाला है और ब्लॉक के साथ ही रहिए, हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं गाइस। और ये है नवी मुंबई महानगर पालिका दीवा कोलीवाड़ा प्रवेश द्वार और यहाँ पे संदीप रहता है गाइस, यहाँ पे संदीप रहता है और अभी हम लोग सिग्नल के यहाँ पे खड़े हैं। तो गाइस फाइनली सिग्नल छूट, अरे नहीं छूटा। तो गाइस अभी सिग्नल छूटा है और हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे लिखा है मेरा भारत महान। गाइस ये जो चाइनीज वर्क है ना, चाइनीज वर्क ये वाला, यहाँ पे भी हमने चाइनीज ट्राई किया था और बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। इधर शिवराज करके होटल था उसमें हम पहले खाते थे। सो गाइज यहाँ पे एक शिवराज करके होटल था, वहां पे ये चाइनीज खाने जाता था। गाइज ये सैंडी बहुत फूडी है, जिम विम जाता है लेकिन ये तो भी बहुत फूडी है, मोमोज वगैरह बहुत कुछ खाते रहता है गाइज और हमें भी खिलाते रहता है। और ये हमारे ब्लॉग में एंकर कर चुके हैं सिद्धेश। हाँ एक सिद्धेश बैठला, जोमेटो का उसका ऑर्डर है। यस यस पक्का। वॉक विद निक, वॉक विद निक।
और सिद्धेश बोल रहा था कि उसके भी एक चैनल का नाम है, उसका भी एक चैनल है सिद्धेश का, एक जोमेटो का बंदा था जो डिलीवरी करता है, तो उसका भी चैनल था, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत गार्डन है गाइज, मैंने बहुत सारे गार्डन देखे। और ये क्या है सैंडी? ये पानी की टंकी है, इसी से हमारे एरोली शहर को पानी मिलता है। सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ से ये पानी की टंकी से एरोली शहर को पानी मिलता है। और गाइज हम लोग अभी हमारी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, और जल्दी हमारा राघवेंद्र। और ये सैंडी ये क्या है, ये कौन सी बिल्डिंग है? ये सरस्वती विद्यालय, यहाँ पे मैं पहले पढ़ता था। ओ वाओ, अभी ये रिनोवेट हुआ है तो इसका नाम जेनिथ है। ओ गाइस, तो मेरा भाई बहुत रिच स्कूल में पढ़ चुका है, जेनिथ में पढ़ चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे फूड कॉर्नर्स है। हाँ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा और एक स्नैक्स कॉर्नर है, यहाँ पे तुम्हें समोसा भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, पूनम स्वीट्स कॉर्नर। ओहो गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारी फूड के आइटम मिलेंगे आपको गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सो ये हमारे राइडर अभी गाड़ी लगाएंगे। यहाँ पे दीपाली फास्ट फूड भी है और यहाँ पे राघवेंद्र फास्ट फूड भी है। सो वी आर गोइंग इन राघवेंद्र फास्ट फूड। अयो, तो हम अभी पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, राघवेंद्र वड़ा पाव, महाराष्ट्र में साउथ इंडियन लोगों का वड़ा पाव का दुकान है। सो गाइज आप देख सकते हो कि सैंडी ने क्या मस्त लैंग्वेज पकड़ा है साउथ इंडियन टोन में, और सुपर। ये है राघवेंद्र फास्ट फूड कॉर्नर। सैंडी साउथ इंडियन। अयो, यहाँ पे मैदा वड़ा मिलता, बटाटा वड़ा मिलता, समोसा मिलता, यहाँ पर बच्चे भी खाते बूढ़े भी खाते। ये देखो आजी, हाँ क्या वड़ा पो खाते? खाते, अच्छा नहीं खाते? अच्छा वड़ा पो नहीं खाते, चाय पीते। क्या बात है, चाय भी पीते वड़ा पाव भी खाते, क्या बात है। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है, मेन्यू कार्ड ही प्रिंट कर दिया है उन लोगों ने, तो आपको जो भी खाना है आप यहाँ पे आके खा सकते हो। और हम लोग जा रहे भी पेट पूजा करने, एक पैटिस और एक मिसल पाव। सो गाइज फाइनली सैंडी ने पैटिस आणलेला आहे, आणि अरे वाह काय दिसते यार, खमंग एकदम, वाह 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 वाह, सुपर्ब सैंडी, वाव। आणि अच्छा खोबऱ्याची चटणी मिळते इथे, वाव वाव। सो गाइज मिसळ पाव आलेली आहे, आणि झणझणीत रस्सेवाली मिसळ पाव, रस्सेवाली झणझणीत आहे, वा येतो येतो, खातो खातो सैंडी खातो। सो गाइज याच्यावर खोबऱ्याची चटणी पण आहे, सुपर्ब सुपर्ब। सो टेस्ट कशी आहे सैंडी? ऑसम, सैंडीचा फेवरेट आहे ना सैंडी? पॅटिस वडापाव पण आहे, वडापाव होतोय म्हणून आम्ही पॅटिस खातोय, सगळं चांगलं आहे इथलं, समोसा मैदू वडा इडली सुपर्ब आहे, म्हणजे आज फुल ऑन कॅलरीज वाढणार आहेत, बेस्ट आहे। ये चीट डे के दिन खा सकते हो, रेगुलर मत खाओ वरना कैलोरीज बहुत बढ़ेगा। और ये है मिसल, सैंडी मस्त कांदा आता कधी वरती टाकतो, आणि आमची प्लेट रेडी आहे खाण्यासाठी, सुपर। तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं मिसल पाव, और देखते हैं मिसल पाव का टेस्ट कैसा है। सुपर टेस्टी है। This is so my favorite. Guys, नेहमी लक्षात ठेवा, मिसळ पाव खाताना त्याच्याबरोबर वडा हा नेहमीच पाहिजे, त्याची वडा आणि मिसळ जेव्हा एकत्र खाणार त्याची टेस्ट काहीतरी वेगळीच येते। काय होतं सँडी? सुपर, काहीतरी नवीन वेगळं, म्हणजे खातच सगळं ना, खायला खूप मजा येते, आणि अशी मजा कधी येणार नाही। बरोबर आहे। सो गाइस सैंडी फक्त माझ्यासाठी काम सोडून त्याचा आलेला आहे, कारण की मी ऐरोली मध्ये आलोय, त्यासाठी थँक्यू सो मच सैंडी। सो गाइस इथे मस्त खमंग बटाटा भाजी पण दिसते आहे,
सो गाईज हा असा लिंबू घ्यायचा आणि असा मिसळमध्ये पिळायचा असा मस्त. आणि मग असा एक पाव घ्यायचा हा असा, थोडासा बटाट्याची भाजी घ्यायची आणि असं ह्या मिसळमध्ये बुडवायचं आणि मग हा असा खायचं. अप्रतिम सुपर. सो फायनली गाईज पूर्ण प्लेट आम्ही फस्त केलेली आहे आणि मजा आलेली आहे. कसं वाटतं सँडी? आत्मतृप्त झाला? व्हेरी गुड. सो गाईज अभी हमारे साथ है प्रशांत जो यहाँ पे राघवेंद्र जो शॉप है जो उसको रन करते हैं. और बोलिए कैसे लग रहा है आपको? और यहाँ पे कितने कस्टमर्स आते हैं दिन भर में? अच्छा, और यहाँ पे वैरायटी क्या क्या होती है आपके पास? ओके, मतलब जितने भी स्नैक्स के आइटम है सब आपके पास मिलेंगे. क्या बात है. और बहुत अच्छा टेस्ट था. हम लोग बार बार आएंगे यहाँ पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने हमें शूटिंग करने का मौका दिया. थैंक यू सो मच. एक बार हाय करो सब लोग. सो गाइस फाइनली श्री राघवेंद्र फास्ट फूड यहाँ का व्लॉग हमने कंप्लीट कर लिया है. और ये देखो यहाँ पे एक बैल गाड़ी और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो बहुत ही एक्साइटमेंट भरी है गाइस. और गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब वेंडर्स बैठे हैं और यहाँ पे राइट साइड में ये यहाँ पे दत्त मंदिर है. ओ वाओ. सो गाइस यहाँ पे ऐरोली का बहुत बड़ा दत्त मंदिर है. अगर आप इस लोकेशन पे आते हो तो यहाँ पे जरूर जाओ. और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो बहुत ही खूबसूरत है. हमारे वीडियो का एंड हम लोग वहीं पे करने वाले हैं. और गाइस यहां से टोइंग वैन जा रही है. और गाइस मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि वी आर रियली वेरी सॉरी कि हमने आज व्लॉग में हेलमेट्स नहीं पहने. बट बिकॉज सैंडी बहुत जल्दबाजी में आया और मेरे पास बाइक नहीं था तो इसकी वजह से हम लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं. बट हम लोग सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं. और गाइस आपको एक संदेश देना चाहूंगा कि आप आपकी बाइक स्नो पार्किंग में मत पार्क कीजिए बिकॉज फाइन बहुत ही ज्यादा होता है. सो फाइनली हम लोग अभी लेंगे सैंडी का ड्रोन शॉट. एंड दिस इज सैंडीज ड्रोन शॉट गाइस. और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे. मग्निक कसं वाटलं तुला नाश्ता करून? खरं सांगू का सँडी, मिसळ पाव आहे ना माझी खूप फेवरेट आहे. ऑल टाइम फेवरेट फूड आहे माझं. आणि ना गाईज मिसळ पाव मध्ये ना तुम्ही असा लिंबू पिळून त्यामध्ये असा बटाटा वडा टाकून जी टेस्ट टाकते ना ती कुठेच नाही. सँडी थँक्यू सो मच की तू वेळात वेळ काढून आमच्या ब्लॉग साठी आलास. आमच्या व्ह्युअर्स लोकांना इतक्या चांगल्या ठिकाणी घेऊन गेलास. थँक्यू सो मच. तो सँडी तुला आमच्या ब्लॉग मध्ये येऊन कसं वाटलं? खूप भारी वाटलं. आज एवढ्या महिन्यानंतर माझा मित्र आला आणि मी त्याच्यासोबत पहिल्यांदा ब्लॉग बनवतोय. तोही खाण्याचा म्हणजे एकदम मजा. बोलला बॉस एकदम भारी झाला आणि लय भारी. वॉक विथ निक. सो गाईज वॉक विथ निक ला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि कमेंट पण करा हो आणि खायला पण या. सो गाईज स्टे ट्यून्ड विथ वॉक विथ निक.